सनसनी ऑफ इंडिया। एजीएस क्राइम ब्रांच की टीम ने अशोक प्रधान व नीतू दबोया गैंग के एक ऐसे गैंगस्टर को दबोचा है जो हत्या के एक मामले में वांटेड था और जो क्राइम की दुनिया में अपना वर्चस्व बनाने व इलाके के दो नंबरों के धंधों पर कब्जा करने के लिए प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग के सदस्यों की हत्या करने की फिराक में घूम रहा था। वहीं गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग के सदस्य भी इसकी हत्या करना चाहते थे। गिरफ्तार गैंगस्टर इतना खतरनाक था कि 30 वर्ष की उम्र में 4 हत्याएं कर चुका है और डरा धमका कर नजफगढ़ व उत्तम नगर के सट्टा माफियाओं से रंगदारी वसूलता था। अगर कोई रंगदारी नहीं देता था तो आरोपी उस पर फायरिंग कर देता था। यह आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने रहने की जगह बार बार बदलता रहता था। साथ ही पुलिस को चकमा देने के लिए मोबाइल फोन भी किसी और के नाम का इस्तेमाल करता था। गिरफ्तार गैंगस्टर की पहचान नजफगढ़ निवासी 30 वर्षीय रोहित उर्फ लांबा के रूप में हुई है। गैंगस्टर के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। डीसीपी क्राइम रोहित मीणा ने बताया कि दिल्ली के प्रतिद्वंद्वी गैंगों के बीच गैंगवार की संभावना को देखते हुए उमेश बर्थवाल एसीपी एजीएस की सुपरविजन व इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में एएसआई अनुज शिकारा, सचिन गुलिया, एएसआई गोविंद वीरेंद्र, हरी सिंह, हेड कांस्टेबल रविंदर, राहुल, बद्री प्रसाद, दीपक, नरेंद्र, महिला हेड कांस्टेबल भगवंती और कांस्टेबल अशोक की एक टीम का गठन करके अवैध हथियार रखने व गोलीबारी की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंगस्टरों और बदमाशों की एक्टिविटीज व मूवमेंट पर नजर रखने और उनको दबोचने का काम सौंपा गया। इस संबंध में इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार को मुखबिरों से पता चला कि अशोक प्रधान व नीतू दबोया गैंग का गैंगस्टर रोहित उर्फ लांबा हत्या के एक मामले में वांटेड है और इलाके में अपना वर्चस्व बनाने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग के सदस्यों को मारने की फिराक में घूम रहा है। टीम को यह भी पता चला कि नीरज बवाना गैंग के सदस्य खुद भी रोहित उर्फ लांबा को मारना चाहते थे। दोनों गैंगों के बीच कभी भी गैंगवार हो सकता है। इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार की टीम ने गैंगस्टर रोहित उर्फ लांबा के बारे में और इन्फॉर्मेशन जुटानी शुरू कर दी। गैंगस्टर रोहित उर्फ लांबा इतना शातिर था कि एक तो अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखता था, दूसरा वो एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकता था। टीम को यह भी पता चला कि रोहित उर्फ लांबा गैंग से नए लड़कों को भी जोड़ रहा है, लेकिन रोहित उर्फ लांबा सीधे किसी को गैंग से नहीं जोड़ता था। पहले से गैंग में शामिल लड़कों के रेफरेंस पर ही यह नए लड़के को गैंग से जोड़ता था। इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार ने रोहित उर्फ लांबा को दबोचने के लिए एक चाल चली। अपने एक मुखबिर को गैंग से जुड़े एक लड़के से दोस्ती करने को कहा। मुखबिर ने गैंग से जुड़े लड़के से दोस्ती की और जब मुखबिर को लगा कि गैंग से जुड़े लड़के को उसके ऊपर विश्वास हो गया है तो मुखबिर ने भी गैंग से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार की चाल कामयाब हो गई। पहले से ही गैंग से जुड़े लड़के ने मुखबिर को बताया कि उसे गैंग से जोड़ने के लिए रोहित उर्फ लांबा दिनांक 7 जुलाई को नजफगढ़ नाला रोड के पास मिलने आएगा। मुखबिर से इन्फॉर्मेशन मिलते ही इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार ने दिनांक 7 जुलाई को नजफगढ़ नाला रोड के चारों तरफ जाल बिछा दिया। रोहित उर्फ लांबा आता दिखाई दिया। मुखबिर के इशारा करने पर टीम ने उसे चारों तरफ से घेर कर दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 जिंदा कारतूस और 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई। गिरफ्तार गैंगस्टर 30 वर्षीय रोहित उर्फ लांबा एच ब्लॉक धर्मपुरा नजफगढ़ का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एजीएस यूनिट ने एसीपी उमेश भटवाल और इंस्पेक्टर कृष्ण के नेतृत्व में एक डेस्परेट गैंगस्टर रोहित लांबा को अरेस्ट किया है। रोहित लांबा को हमारी टीम सस्टेंड इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और काफ़ी टेक्निकल मॉनिटरिंग के बाद 7 जुलाई को विपिन गार्डन एरिया से अरेस्ट किया और एक पॉसिबल गैंग वॉर जो कि अशोक प्रधान ग्रुप की नीरज बवानिया गैंग के साथ जो गैंग वॉर चल रहा है उसको अवर्ट किया है। एक ब्रीफ यह है कि रोहित लांबा एक खुद एक डेस्परेट गैंगस्टर है जो कि अशोक प्रधान ग्रुप से संबंधित है। इसको अशोक प्रधान ने एक पिस्टल और 2 राउंड से रिकवर किए गए। अशोक प्रधान ने अपने एसोसिएट्स के थ्रू इसको ये डिलीवर कराया गया था और इसको टास्क किया गया था कि अपने ग्रुप को रीऑर्गेनाइज करे और नीरज बवानिया ग्रुप जिससे इसकी राइवलरी चल रही है इसके गैंग मेंबर्स को टारगेट करे। रोहित लांबा की क्रिमिनल हिस्ट्री काफ़ी डिटेल्ड रही है। इस पर 4 मर्डर के मुकदमे हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट कार जैकिंग रॉबरीज के मुकदमे हैं। ये 18 साल की उम्र होने के बाद से 2010 से ही क्राइम में लिप्त रहा है और शुरुआत में अपने दोस्तों के साथ मिलके इसने
कारजैकिंग, रॉबरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। साल 2013 में इसने अपने एक दोस्त चिंटू के मर्डर के बदले में एक युधवीर नाम के व्यक्ति जो कि कालू बंजारिया ग्रुप का मेंबर था उसको मारा। इसके बाद ये जेल जाने के बाद ये अशोक प्रधान ग्रुप और राजेश दुर्मुट और इन जो कि ये अशोक प्रधान ग्रुप और नीतू दबोदिया ग्रुप के मेंबर हैं इनके टच में आया और इसने काफ़ी टाइम जेल में स्पेंड करने के बाद ये जब जेल से बाहर आया तो इसने इस ग्रुप के लिए काम करना एक्टिवली चालू कर दिया। 2015 में इसने फिर एक सुनील पंडित नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी द्वारका साउथ एरिया में और इसके बाद दिल्ली पुलिस के सस्टेंड इसमें नीतू दबोदिया के पारस और बाकी लोग भी इसमें लिप्तता थी और इसके बाद काफ़ी दिल्ली पुलिस की सस्टेंड प्रेशर की वजह से ये इसने अपना ठिकाना चेंज किया और ये आगरा शिफ्ट हो गया। वहाँ पे भी उसने अपनी इसी तरीके की वारदातों को कंटिन्यू रखा और एक आगरा में एक सेक्रेटरी ढाल कुमार जैन नाम के सेक्रेटरी थे जूलर एसोसिएशन के जिनको कि पुलिस प्रोटेक्शन था उस पर भी इसने गोली चलाई और डिस्पाइट पुलिस प्रोटेक्शन में और इसके बाद वो वहाँ से ये वांटेड चल रहा था। इसके बाकी मेंबर्स पकड़े गए थे। इसके बाद भी इसकी डेस्परेशन इतनी थी कि इसने कृष्ण बढ़ाई नाम के गैंगस्टर जो कि नीरज बवानिया ग्रुप से जिनका ताल्लुक था उसको एक रागनी कॉम्पिटिशन हो रहा था इन्हीं के गांव में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और गैंग राइवल भी नीरज बवानिया और इनके बीच में काफ़ी बढ़ती गई। नीरज बवानिया ग्रुप के गैंग मेंबर्स ने भी रिटेलिएशन में इनके कुछ ग्रुप मेंबर्स विक्रम और किस्मत काला इनको मार दिया। आगे और राइवलरी चलती रही और 2017 में एक मेजर इंसिडेंट हुई जिसमें कि दो झज्जर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर काला सोदिया जो कि मामा है नीरज बवानिया के इनको और इस अशोक प्रधान ने मिलके उसको मार दिया। काला सोदिया अशोक प्रधान के भाई दिलबाग सिंह के नीरज बवानिया काला सोदिया को मार दिया और इसके बाद जो इसकी हत्या का कारण यही था कि अशोक प्रधान के भाई दिलबाग सिंह को नीरज बवानिया ने मरवा दिया। तो इसके बाद रिटेलिएशन में नीरज बवानिया ग्रुप के गैंग मेंबर्स ने भी राजेश दुर्मुट को 2017 में मरवा दिया था। 2017 के एंड में इसकी अरेस्ट हो गई थी। उसके बाद ये पिछले जून में ये बाहर आया और तब से अपने ग्रुप को इकट्ठा कर रहा है और अब अशोक प्रधान के कहने पे इसी ग्रुप में चलते हुए इसने वारदातें फिर से चालू कर दी है और जनवरी 2022 में इसी साल में इसने नजफगढ़ एरिया में एक दुर्गा नाम के जो फर्नीचर दुर्गा नाम के व्यापारी हैं जिनकी फर्नीचर का शोरूम है इस पर गोली चलाई और जिस पर 307 का मुकदमा आया जिसमें ये वांटेड चल रहा था और इसी तरीके की वारदात ये अभी भी कर रहा है और ये प्लान कर रहा था आगे नीरज बवानिया ग्रुप के मेंबर्स को एलिमिनेट करने की। ये गैंग रिलेटेड राइवलरी है जो कि काफ़ी हॉट अप हो चुकी है और इसमें ये आपस में इनकी राइवलरी बढ़ती जा रही है। ये काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल है और अभी और भी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम इस ग्रुप के काफ़ी सारे मोस्ट ऑफ द बिग मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स आर इन जेल इन मुकोका केसेस। ग्रुप्स में भी जैसे कि आपको पता है कि अशोक प्रधान ग्रुप रिसेंटली मनजीत महल ग्रुप के साथ में आ गया है और ये नीरज बवानिया गैंग टिल्लू के साथ में आ गया है। तो इसी के मद्देनज़र हमारी क्राइम ब्रांच की टीम भी इन पर सस्टेंड काम कर रही है। जो हमारी इंट्रोगेशन से पता चला कि ये इसकी लगभग 3-3.5 महीने पहले उससे बातचीत हुई है फ़ोन के थ्रू। इसके पास से जो फ़ोन है हमने वो जब्त किया है। अभी इसमें और इन्वेस्टिगेशन है। किसको इस पर? एक तो नजफगढ़ का एक मुकदमा है 307 का जिसमें दुर्गा नाम का व्यक्ति है जो कि फर्नीचर की शॉप है उनका शोरूम है उस
उस पर गोली चलाई थी, इसमें ये वांटेड था। और साथ ही साथ इससे जब, क्योंकि ये खुद भी वेपन इकट्ठा कर रहा था, अशोक प्रधान द्वारा इसको वेपन भी सप्लाई कराए गए थे, तो इससे वेपन भी हमें रिकवर, हमें एक सोफिस्टिकेटेड वेपन और दो कार्टन दिया था वो जी, उस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें आप देखेंगे कि इनके काफ़ी सारे जो टारगेट्स हैं, ये जेल में भी बेसिकली कोर्ट कॉम्प्लेक्स के में भी ये रैकी करी है इनके, पहले जैसे झज्जर में जो इंसिडेंट हुई तो उसी तरीके की ये इंसिडेंट प्लान करने के उसमें था, जो कि इन्वेस्टिगेशन जिस पर जा रही है, ज़्यादा फैक्ट्स यहाँ रिवील नहीं करते। कुछ हमारे पास सस्पेक्ट्स के नाम हैं, उस पर हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस। और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।